इस वीडियो में आपको दमन कैसे पहुंचना है और कहां पे आप स्टे कर सकते हो और कहां पे आप घूम सकते हो, वो सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो दोस्तों, पहुंच चुकी हूं मैं दमन। मुझे जो है थोड़ा सा झटका लगा, बिकॉज जम्पूर बीच जो मैंने देखा था ना, मुंबई वाले लोनावला या खंडाला या तो फिर माथेरान वगैरह जाते अपने वीकेंड के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक बार दमन जरूर आना यार, बिकॉज बहुत अलग और बहुत चेंज हो चुका है। करते हो, हुक्का पीते हो, पूल वगैरह खेलते हो, तो आप दमाओ में जा सकते हो। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगार गर्ल व्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे, मैं तो एकदम 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 ही ज्यादा मस्त हूँ। 4 बजने ही वाले हैं, तैयार हो रही हूँ और हम निकल रहे एक बहुत ही बेहतरीन राइड के लिए। वैसे आप मेरी आंखों से समझ रहे होंगे, नींद बिल्कुल भी हुई नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे शायद मैं सोई हूँ और अभी सुबह सुबह जो है हमें निकलना है। ये छोटा मोटा पैकिंग करके आप लोगों से मैं मिलती हूँ बाहर। दोस्तों मैं जो है तैयार होके नीचे आ चुकी हूँ और बज रहे कुछ 5 और अब मैं यहाँ से अपने घर से निकल रही हूँ। अपने को ट्रैवल करना है अराउंड 140 किलोमीटर। मुंबई से हम जा रहे हैं दमन, तो मैं जो है रोडवेज से ट्रैवल कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको दमन कैसे पहुँचना और कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो और कहाँ पे आप घूम सकते हो, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुबह सुबह उठ के जो है मैं तैयार होकर निकल रही हूँ। अब ट्रैवल का वैसे भी आपको मैं क्या ही बताऊँ, बिकॉज सारा कुछ डार्क रहेगा और वैसे भी हम रोडवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बीच बीच में अगर हुआ तो मुलाकात होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सुबह सुबह निकलने की वजह से 2 चीजें हुई, एक अंधेरा बहुत था और दूसरा ठंड बहुत थी। कैसे तैसे हम फाउंटेन पहुंचे और फाउंटेन का ब्रिज का हाल तो आपको पता ही है, लेकिन एक चीज देख के खुशी हुई कि नया ब्रिज जो है वो बन रहा है। जल्दी सभी को राहत मिल जाएगी इस टूटे फूटे ब्रिज से निकलने की। ठंड से इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि हमें बीच में एक हॉल्ट लेना पड़ा और जहाँ पे हमने हॉल्ट लिया वहाँ पे हमने पी एक चाय और आग ऑलरेडी लगी हुई थी तो हमने अपना हाथ सेक लिया। आप जब राइड करते हो, रोडवेज से ट्रैवल करते हो, तभी आप ये सारी चीजों का मजा ले पाते हो। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो जैसी उजाला हुआ हमने वापस से हॉल्ट लिया और भूख बहुत लगी थी तो हमने यहाँ पे वापस से चाय पी और भुर्जी पाव खाया जो कि बहुत लाजवाब था। खा पी के हम वापस से निकल पड़े। महाराष्ट्र चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद में वापी तक का जो रास्ता था वो काफी ज्यादा अच्छा था। आप इस रास्ते पे सेफली अच्छे से राइड कर सकते हो। और अब हम दमन के काफी करीब थे और दमन पहुंचने के पहले आपको ये एक रेलवे ट्रैक मिलता है जिसको आपको क्रॉस करना है और हम यहाँ पे ट्रेन निकलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर और राइड करने के बाद हम पहुंचते हैं उस ब्रिज पे जो नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ता है, यानी कि ये ब्रिज। तो हम पहुंच चुके थे दमन दोस्तों और रहने का इंतजाम हमने ऑलरेडी ऑनलाइन कर लिया था, तो मैं अभी फिलहाल अपने होटल पे जाके फ्रेश होके आप लोगों को मिलती हूँ वापस। दोस्तों ये देख के समझ रहे हो, तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं दमन। सबसे पहले ये बता दूं कि अभी फिलहाल हूँ मैं राजीव गांधी सेतु पे एंड ये जो ब्रिज है ये डिवाइड करता है नानी दमन और मोटी दमन। अभी हम जा रहे हैं मोटी दमन में, तो आज फिलहाल के लिए हम जो है मोटी दमन एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों ये है दमन गंगा रिवर जो कि डिवाइड करता है दमन को 2 पार्ट में, नानी दमन और मोटी दमन। दमन कैपिटल सिटी है, इंडियन यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम यूनियन टेरिटरीज भी कवर करेंगे इंडिया टूर में, तो हम आए हैं दमन एक्सप्लोर करने के लिए। दमन को पोर्चुगीज ने 400 साल रूल किया था, इसलिए
लिए आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स में पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ का जो ये म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस, ये भी पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर जैसा लगता है। दमन आते हो तो ये मोटी दमन फोर्ट के पास ही है, तो एक बार यहाँ पे आके फोटोज क्लिक जरूर करना, बड़ी प्यारी जगह है। सो ये है दोस्तों मोटी दमन फोर्ट। हम फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। अब आज दो जगह पे जाने का प्लान है, एक है जम्पोर बीच, एक सी फेस टाइप है यानी कि मरीन ड्राइव टाइप है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, एकदम मस्त मस्त वाले मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। साथ ही साथ अगर बात करें कि आपको पहुँचना कैसे है, रोडवेज से आ सकते हो या तो फिर ट्रेन से आ सकते हो। नियरेस्ट स्टेशन है वापी से, काफ़ी नज़दीक है दमन, तो आपको जो है बसेस वगैरह मिल जाएगी या आप कैब वगैरह भी बुक कर सकते हो, ऑटोज भी मिल जाएगी, तो आप ऑटो से भी आ सकते हो। रोडवेज से आ रहे हो, मैप लगा लो और आप पहुँच जाओगे। 4 घंटे की कुछ जर्नी रहेगी रुक रुक के आओगे तो, वरना जैसे मतलब आप चला लेते हो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम वहाँ से दमन फोर्ट के वहाँ से निकल के आए और यहाँ पे है दमन बीच, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चों के खेलने वाले की चीज़ें और खाने पीने की भी चीज़ें हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स भी दिख रहे हैं, स्नैक्स मतलब बैठने के लिए दिया है, और वाटर एक्टिविटी हो रही है। हम लोग यहाँ पे मरीन ड्राइव जो सी फेसिंग एरिया है, जहाँ पे आप मस्त चल के जो है समंदर का मज़ा ले सकते हो, प्लस राइट साइड में छोटे छोटे से कैफेज है। मानना पड़ेगा बहुत चेंज हो चुका है दमन, टूरिस्ट के लिए जैसे बेस्ट हो गया है। हर एक जगह आपको ना फोटोजेनिक लगेगी। पार्किंग की भी सुविधा है वहाँ पे और मस्त यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। मानना पड़ेगा यार क्या चेंजेस आए हैं दमन में, वाव आई एम जस्ट लविंग इट। आप बैठ के मस्त आप सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा जो है बैठ के आप लोगों से बात की जाए। चलो होटल के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कैसे पहुंचना है आप तो समझ ही गए होंगे। तो होटल्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप नानी दमन में रुक सकते हो, मोटी दमन में रुक सकते हो। मोटी दमन में इतना कुछ अच्छा ऑप्शन है नहीं, नानी दमन में आपको बहुत सारे जो है होटल्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग प्राइसेस कुछ 1000 रुपीज़ से है। अभी हमने जहाँ पे स्टे किया है वहाँ पे 1300 रुपये हमने पे किया। नॉर्मल सा होटल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो एक बार आप रूम टूर देख लो कैसा होटल है। तो दोस्तों कुछ ऐसा रूम है, यहाँ पे 2 जन आराम से जो है सो सकते हैं। बेड है, वहाँ पे विंडो है और एसी है, छोटा सा टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी टेबल चेयर्स वगैरह है, वॉशरूम है, गर्म पानी की फैसिलिटी है, वेस्टर्न टॉयलेट है। तो बस ऐसे ही कुछ छोटा सा एकदम रूम है ये। पानी जो है खारा है एंड क्लीनलीनेस ओके ओके। और कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, आप वापी में स्टे कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सस्ते सस्ते होटल्स मिल जाएंगे, लाइक 700 से 800 रुपये के अंदर में आपको होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन वापी जो है दमन से दूर है, तो आप वहाँ पे स्टे करके फिर यहाँ पे आ सकते हो एंड मस्त एक्सप्लोर करके शाम को वापस वापी जा सकते हो। लेकिन नहीं, आपको दमन का ही फील लेना है, जैसे होता है ना कि आप शाम तक मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल आउट करते हो एंड देन आपको होटल नज़दीक चाहिए होती है, तो उसके लिए दमन बेटर है। तो नानी दमन में रह सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। हमने मरीना में स्टे किया था, कोविड के पहले हमने विजिट किया था वहाँ पे, वो भी बहुत ही बेहतरीन सा होटल है, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। कासा दी मेलो ऐसे करके कुछ एक होटल है, वो भी एक अच्छा है, तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। ये दो होटल्स के नाम मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है जब भी हम यहाँ पे स्टे किए। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। यहाँ से जो है अपन निकलते हैं जम्पोर बीच के लिए। इवनिंग में आप मस्त लेट यहाँ पे रुकोगे तो लाइट हाउस के भी मज़े ले सकते हो। वो रहा लाइट हाउस। अपने को ऑन अ स्ट्रेच 3 किलोमीटर जाना है जहाँ पे रहेगा जम्पोर बीच। हम जो है जम्पोर बीच पे आ चुके हैं और मुझे जो है थोड़ा सा झटका लगा बिकॉज जम्पोर बीच जो मैंने देखा था ना 3 साल पहले शायद से, वो कुछ अलग ही था। मतलब पूरे इस बीच पे शैक्स लगे हुए थे बहुत सारे और लोग वहीं पे मस्त खाते पीते थे और पढ़ते थे, उठते थे, वापस पानी में जाते थे, मतलब सीन्स बहुत अलग थे। अभी भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं।
बट शायद खाने पीने की चीज़ें ना यहाँ पे नहीं मिल रही, मतलब पीने की चीज़ें, पहले ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व किया जाता था शैक्स पे एंड ऑल, तो वैसा वाला अभी सीन है नहीं यहाँ पे, मस्त वाटर स्पॉट हो रहा है। और बाकी अगर आप देखो ना यहाँ पे सारा कुछ अभी बन रहा है, यानी कि वापस से शायद एक दो साल में ये बहुत ज़्यादा अलग होगा बीच, महाराष्ट्र से हो या तो फिर गुजरात से हो, बिकॉज़ यहाँ पे क्राउड मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात के होते हैं, तो अगर आप इन दोनों जगह से हो ना तो मुंबई वाले लोनावला या खंडाला या तो फिर माथेरान वगैरह जाते हैं अपने वीकेंड के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी ये एक बार दमन ज़रूर आना यार, बिकॉज बहुत अलग और बहुत चेंज हो चुका है। पहले लोगों को लगता था यहाँ पे बस लोग पीते हैं बिकॉज सब कुछ सस्ता है दिस दैट, बट यार पीने के साथ साथ नज़ारे बहुत खूबसूरत है, मस्त एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें। चलो हम भी कुछ खा ही लेते हैं, कुछ खाया है नहीं सुबह से, जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पर बीच में रुक के महाराष्ट्र चेक पोस्ट पे, बस वही है, उसके बाद से कुछ भी पेट में गया नहीं है। बनाने का चटपटी चटपटी खाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और दाल भेल चना मसाला चना जोर गरम। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है, तो टिकट काउंटर वगैरह है, बाकी यहाँ पे अपना हॉर्स राइडिंग कैमल राइडिंग के लिए भी है, स्पेस इतनी है नहीं बिकॉज पूरा पानी यहाँ तक आ चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग ज़िंदगी के मज़े ले ही रहे हैं, और खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है यहाँ पे, लेकिन अपन ना वहाँ बाहर उस तरफ जाके ट्राई करेंगे, यहाँ पे बीच पे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है। जम्पूर बीच से मस्त सा टाइम लैप्स लिया यहाँ पे, और थोड़ा सा सनसेट भी इन्जॉय किया। यहाँ पे भी बहुत कुछ है खाने के लिए, चटपटी चीज़ें मिल जाएगी आपको, बहुत सारा चाट वगैरह मिल रहा है, लेकिन हमने जैसे कि सुबह में खाया था और उसके बाद से कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए कुछ अच्छी जगह ढूंढते जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खा सके। दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि जम्पूर बीच के सामने ही लेन है जहाँ पर बहुत कुछ आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर हम खा रहे हैं बर्गर, वेज बर्गर, नींबू पानी वाले हैं उनके पास में, गोला वगैरह भी है, तो अपन फिलहाल के लिए नींबू पानी मार लेते हैं। तो ये आ चुका है अपना नींबू पानी, वैसे भैया बोले वैसे 30 रुपीज़ का है, लेकिन अगर दो लेते तो 25। आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है यार, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे तो दाम आपको एकदम नॉर्मल नहीं मिलेंगे जैसे आपके नॉर्मल शहरों में होता है, थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का ऊपर नीचे तो रहता ही है, बिकॉज इनकी भी कमाई यहीं से होती है, टूरिस्ट आते हैं तो इनकी कमाई होती है। सो ये आ चुका है दोस्तों अपना वेज बर्गर, जिसमें एक पेटी है, बाकी वेजीज वगैरह है। 80 रुपीज़ पे किया है हमने इस वेज बर्गर का, तो हमने एक बाइट ली बर्गर की, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा, खाऊं या दिखाऊं नहीं कर सकते, खा ही लेते हो। तो दोस्तों यहाँ से बर्गर खा के जो है मैं निकल रही हूँ अपने होटल की तरफ, तो मोटी दमन से निकल के हम जो है नानी दमन में आ चुके हैं, और यहीं पे ना सामने जो मेन सर्कल है यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ना भाई साहब, आज वैसे सैटरडे है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों मार्केट में हम एक जगह पर आए हैं जहाँ पर आपको अंदर दो चीज़ें मिल जाएगी, एक दमाव और एक फिश एंड बैरल है, ऊपर ना होटल रूम्स भी आपको मिल जाएंगे, 800 कुछ कॉस्टिंग है यहाँ पे रूम की। दोस्तों अगर आप सी फूड लवर है तो फिश एंड बैरल जरूर विजिट करना दमन में, और ये है रेस्टोरेंट का मेन्यू, तो आप देख सकते हो क्या प्राइसेस में क्या चीज यहाँ पे मिलती है। हमने यहाँ पे खाया फिंगर चिप्स पेरी पेरी विद चीज, काफी डिलीशियस था ये, और चिकन तवा फ्राई बहुत कम ऑयल में बना, ये डिलीशियस लग रहा था, इतना खा के पेट भर चुका था, इसलिए एंड में हमने मंगाया चिकन बिरयानी। तो दोस्तों यहाँ पे फिश एंड बैरल में अपना खा के हो चुका है, और मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की कि मैंने क्या खाया है और मेन्यू यहाँ का कैसा क्या है सब कुछ। ऊपर इनके दमाव है जो कि एकदम अलग वाइब देता है, मतलब अगर आप स्मोक करते हो, हुक्का पीते हो, पूल वगैरह खेलते हो, तो आप दमाव में जा सकते हो, आप फिश एंड बैरल में भी रुक सकते हो, वहाँ पर आराम से फैमिलीज वगैरह बैठते हैं, वहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाओ, मतलब आपकी मर्जी है। आज के लिए बस इतना ही, किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा, जिंगाट गर्ल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस,
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय बाय।